हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवासिनी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे। आज हम बनाएंगे पनीर पराठा। इसके लिए हमें पहले आटे की डो बनाना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है, पानी, ऑयल और थोड़ी सी नमक। और पनीर मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम पनीर, हरी मिर्च, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, प्याज, धनिया पत्ता, लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस। पहले हम आटा की डो बनाते हैं। आटे में हम थोड़ी सी ऑयल, नमक और थोड़े थोड़े करके पानी डालकर इसका एक अच्छा सा डो बनाएंगे। हमें इसमें थोड़े थोड़े करके पानी डालना है। थोड़े थोड़े करके पानी डालकर एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाएंगे। ये हमारी सॉफ्ट आटा की डो बन चुकी है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम पनीर मसाला बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। पनीर में हम थोड़ी सी धनिया पत्ता, प्याज, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, लाल मिर्च, एक हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार और नींबू का रस इसमें डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा नींबू का बीज निकाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारी पनीर मसाला बन चुकी है। अब हम पराठे बेलने की प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम एक आटा की रोई लेंगे। आटा की एक रोई लेकर उसके किनारे को इस तरह से करेंगे। अब हम इसमें पनीर की स्टफिंग डालेंगे। इस तरह से करना है। इसके बाद थोड़ी सी सूखी आटा डालेंगे और इसमें थोड़ा सा सूखी आटा लपेट लेंगे और इसे बेलने की प्रोसेस में चलते हैं। इसे
इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे। धीरे धीरे करके हल्के हाथों से बेलना है। हमारी एक पराठा बन चुकी है। इसी तरह से हमें एक दूसरी पराठा बनाएंगे। हमें इसे प्लेट में रख देना है। तो इसी प्रोसेस में हम और एक पराठा बनाएंगे। हम इसमें पनीर की स्टफिंग डालेंगे। और इसे हम सूखी आटा में थोड़ी सी लपेट लेंगे और इसे बेलेंगे, हल्के हाथों से बेलेंगे। ये हमारी दूसरी पनीर पराठा बन चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। अब हम पराठे को सेकने के लिए प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम तवा को गैस के ऊपर रखकर उसे गर्म होने देंगे। गर्म हो जाने के बाद हम इसमें पराठे को डाल देंगे। अब हम इसे पलट कर इसमें थोड़ी सी ऑयल लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी पलट कर इसमें ऑयल लगाएंगे। और इसे 1 से 2 मिनट तक इसे पलट पलट कर पकाना है। यह हमारी पनीर पराठा बन चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। इसी प्रोसेस में हम दूसरी पराठा बनाएंगे। इसे हम पलट कर थोड़ी सी ऑयल लगाएंगे। और इसी प्रोसेस में हम दूसरी तरफ भी पलट कर उसमें ऑयल लगाएंगे। यह हमारी दूसरी पराठे भी बन चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। पनीर पराठे को हम टमाटर केचप के साथ सर्व करेंगे। अगर आप सबको आज का पराठे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।